पुलिस ने एक बड़े इसमें तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। ये गैंग स्कॉर्पियो के जरिए इसमें की तस्करी करती थी। इस गैंग के पास से 7 लाख रुपए की इसमें एक बरामद की गई है। पुलिस को मुखबिर से एक इसमें एक तस्कर गिरोह की जानकारी मिली। पुलिस ने इस गैंग को पकड़ने के लिए तैयारियां की। पुलिस को खबर मिली कि गैंग के 4 लोग सफेद रंग की नई स्कॉर्पियो से प्रयागराज से चलकर विजापुर के सुनसान रास्ते से बैढ़न की ओर जा रहे थे। पुलिस ने स्कॉर्पियो को ओरगाई रेन नदी पर बड़े पुल के पास रोका तो वाहन चालक वाहन को बंद कर अपने साथियों के साथ अंधेरे में भागा। पुलिस ने मुस्तैदी से 3 तस्करों को पकड़ लिया लेकिन ड्राइवर भागने में सफल हो गया। पकड़े गए तस्करों के नाम आदित्य रंजन, संदीप शर्मा और दिलीप पांडे है। इनका चौथा साथी वाजिद खान उर्फ नवाब खान उर्फ राजवीर पांडे है। इन तस्करों के पास से 60 लाख कीमत की 500 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। सिंगरौली पुलिस द्वारा नशा और नशा का दुरुपयोग करने वाले दुर्व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है और इसी तारतम्य में और साथ ही आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जो है पुलिस के द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है नशे के व्यापारियों के खिलाफ जो है की गई है। और इसमें पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की साइड से जो है एक गाड़ी जो है उससे जो है कुछ ड्रग स्मगलर आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा उस सूचना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया और CSP के नेतृत्व में जो है एक टीम लगाई गई और उस टीम के द्वारा जो है रात में घेराबंदी करके जो है उसको जब पकड़ने का प्रयास किया तो गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से कुछ बदमाश भाग गए और लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए 3 आरोपियों को उसमें से गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।